अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करते टाइम पास में जो घंटी है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निधि और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर मंथ की गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो हाल ही में निकली हुई है। और ये जो जॉब निकली हुई है इनमें आप बोल सकते हैं कुछ जॉब ऐसी है जो जहां पे एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया खाली 8th पास ही मांगा गया है आपका, किसी में ग्रेजुएशन मांगा गया है, किसी में 10th पास मांगा गया है, और कोई कोई जॉब ऐसी भी है जहां पे CA और LLB अगर आपने किया हुआ है, MBA किया हुआ है, और भी डिफरेंट डिफरेंट PhD वगैरह भी अगर आपने की हुई है तो आप अप्लाई कर पाओगे। तो इन जॉब्स को आप एंड तक देखें ताकि आपको पूरा डिटेल में आइडिया हो जाएगा। प्लस यहाँ पे मैं जो जॉब के बारे में बात करने जा रही हूँ तो यहाँ पे कुछ जॉब ऐसी हैं जो आपको खाली एक सिंगल एग्जामिनेशन देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है, कोई आपका मेंस नहीं देना है, उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ एग्जाम ऐसे भी हैं जिनमें आपको दोनों ही एग्जाम देने पड़ेंगे, प्री और मेंस, इंटरव्यू नहीं होगा, कहीं कहीं आपको एक एग्जाम देना है और इंटरव्यू देना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके आपके लिए। पहले आपकी जो जॉब है ये आपकी राजस्थान मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है। ये काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 197 निकली हुई है। इसके अलावा इसको अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। इसका एग्जाम आपको फेब में देखने को मिलेगा और इस जॉब के लिए आपको खाली एक एग्जाम देना है। इसमें आपका कोई भी आपको इंटरव्यू नहीं देना, कोई मेन्स का एग्जाम नहीं देना है, एक एग्जाम होगा आपका, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, फाइनल लिस्ट बनेगी जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ओके, इसके अलावा इसमें एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो एज की जो एलिजिबिलिटी है ये आपकी 18 to 40 रखी गई है। 18 मिनिमम होनी चाहिए और 40 आपकी मैक्सिमम एज मांगी गई है, और ये कैलकुलेट होगी आपकी 1 January 2022 से। इसके अलावा इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लें तो एप्लीकेशन फॉर्म जनरल ओबीसी EWS के लिए 450 रखा गया है और अदर SC ST वालों के लिए 250 है, और फिजिकली जो हैंडीकैप पर्सन है उनके लिए यहाँ पे 0 फीस रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका 10th पास मांगा गया है इसमें। इसके साथ साथ आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी अदर डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। प्लस एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके अलावा आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना आपका कंपलसरी है। ओके, और यहाँ पे सैलरी भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है, काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है ये। कॉम्पिटिशन भी आप बोल सकते हैं, आपको इतना ज्यादा इसमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे जो हमारी सेकंड जॉब की बात करें तो सेकंड जॉब हमारी राजस्थान होम गार्ड कांस्टेबल की पोस्ट की है। ये भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, काफी अच्छी जॉब है, और इसमें अगर अप्लाई करने की बात करें तो इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की आपकी 15 दिसंबर है। आपका इसको इसमें जो एग्जाम होगा एक ही एग्जाम होगा, इसमें कोई प्री मेन्स आपका नहीं होगा। जो रिटर्न एग्जाम होगा ये आपको फेब में देखने को मिलेगा 2022 में। इसके अलावा इसका अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें जो रखी गई है ये 8th पास रखी गई है। मतलब आपका यहाँ पे ना कोई डिप्लोमा मांगा है किसी भी चीज में, ना कोई आपको सर्टिफिकेट, आप सिंपली अगर 8th पास हो ना तो आप इन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और ये कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। ओके, लेकिन आप अगर कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे आप 8th पास होने चाहिए, प्लस आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है। टोटल वैकेंसी आपको इसमें 135 देखने को मिलेंगी, और मिनिमम एज जो आपके रहने वाली है वो आपकी 1 January 2002, मैक्सिमम आपकी मेल्स के लिए जो रहने वाली है वो आपकी 2 January 1997, यानी कि मैक्सिमम 24 एज मेल की है, और फीमेल के लिए मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 2 January 1992 तक है। मतलब आप 29 की भी हैं अगर फीमेल्स तो अप्लाई, 29 प्लस हैं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगी। ओके, तो ये कैलकुलेट होगी आपकी 1 January 2022 तक। ओके, मतलब आप 1 January 2022 के तक अगर आप 29 प्लस हो जाते हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे इस पोस्ट के लिए। इसके अलावा इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लें तो सिलेक्शन आपका एक रिटर्न और फिजिकल होगा। तो बाकी अदर जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए मैं आप
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसके नोटिफिकेशन का, आप वहां पे जाके इसके ऑफिशियल वेबसाइट में इसके नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। थर्ड जो हमारी जॉब है, ये हमारी बीएसएफ में ग्रुप सी कांस्टेबल की पोस्ट की जॉब है। ये भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफी अच्छी जॉब है। इसमें जो टोटल वैकेंसी निकली है आपकी वो 63 है। इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 29 दिसंबर है। एप्लीकेशन फीस की बात कर ली जाए तो एप्लीकेशन फीस आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रखी गई है और जो अदर कैटेगरी के लोग हैं तो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10th पास होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो एक फिजिकल टेस्ट भी होगा जिसमें 165 सेंटीमीटर हाइट मेल की मांगी गई है और 157 सेंटीमीटर आपकी फीमेल की मांगी गई है। और अदर डिटेल्स के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को भी जाकर चेक कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो एज आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपकी 25 होनी चाहिए और ये आपकी कैलकुलेट होगी 29 दिसंबर 2021 तक। ओके मतलब 29 दिसंबर 2021 तक अगर आप 18 से कम है आपकी एज तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे और अगर आपकी 25 प्लस है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसके साथ साथ रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया है और ये सारी चीजें आप इसके नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप वहां पे जाके इसके पूरे नोटिफिकेशन को जाके चेक कर सकते हो। फोर्थ जो हमारी जॉब है ये एमपी हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जॉब है। ये जो जॉब के बारे में जो मैं आपको बताने जा रही हूं इसमें इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं आपको देखने को मिलेगा, इसमें बहुत कम कंपटीशन होता है। इसके अलावा इसमें काफी अच्छी वैकेंसी भी निकली हुई है। इसको अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट 30 दिसंबर है। अभी तक इसके एग्जामिनेशन की कोई भी डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस जनरल और अदर स्टेट वालों के लिए 777 रखी गई है और वहीं ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए 577 रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो एज आपकी मिनिमम 18 to 40 होनी चाहिए मेल्स की और फॉर फीमेल्स 18 to 45 रहनी चाहिए। ओके और रिलैक्सेशन भी इसमें प्रोवाइड किया गया है तो वो आप इसके नोटिफिकेशन में जाके चेक कर सकते हो। स्टेनोग्राफर और ये जो असिस्टेंट का एग्जाम रहने वाला है इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, ये आपका प्री और मेन्स के बेसिस पे होगा ये वाला एग्जाम आपका, ठीक है। और यहाँ पे अब हम इसके जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं और उनके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उनके देख लेते हैं कैसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है हर एक पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे पहली जो हमारी पोस्ट है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है। तो यहाँ पे इसका जो पे स्केल रहने वाला है ये भी काफी अच्छा रहता है। इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 108 निकली हुई है और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर और स्टाफ, इन तीनों पोस्ट के लिए जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एजुकेशन की वो आपने अगर किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ सीपीसीटी स्कोर, ये एक एग्जाम होता है जो एमपी गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है तो उसमें आपका एक स्कोर जो होता है उसको आप सीपीसीटी स्कोर बोलते हैं और जहां पे भी सीपीसीटी स्कोर मांगा जाता है उसमें कॉम्पिटिशन उस एग्जाम में आपको इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता। तो यहां पर आपके पास में सीपीसीटी स्कोर होना चाहिए प्लस हिंदी मैं जो आपकी राइटिंग जो स्पीड है वो आपकी 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका कंप्यूटर में तो ही आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। सेकंड जो हमारी पोस्ट है ये हमारी असिस्टेंट ग्रेड 3 की है तो इसमें भी हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। इसमें टोटल पोस्ट जो निकली है टोटल वैकेंसी इसमें 910 निकली है, काफी अच्छी वैकेंसी है और ये सबसे ज्यादा इसमें निकली हुई है। इसमें आपका एजुकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन मांगा है, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है कोई मैटर नहीं करता है इसमें। सीपीसीटी स्कोर होना चाहिए प्लस 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। थर्ड हमारी जो पोस्ट है वो असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग की पोस्ट है, ये भी काफी अच्छी पोस्ट है और इसमें हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारा क्या मांगा गया है। टोटल वैकेंसी इसमें 21 है। इसके अलावा इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप सीपीसीटी स्कोर है, इसके अलावा इंग्लिश आपको आनी चाहिए, इंग्लिश की स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और 1 ईयर डिप्लोमा आपका कंप्यूटर में मांगा है।
ये तो हमारी होगी फोर्थ जॉब की बात। अब हमारे जो फिफ्थ जॉब के बारे में जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इसमें आपका मतलब आप अगर सीए हैं, आप अगर एमबीए हैं, एलएलबी आपने की है या पीएचडी किए हुए हैं या फिर इसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, काफी अच्छी जॉब है। जॉब जो हमारी निकली है ये हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर की निकली है। ये भी काफी अच्छी जॉब है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 17 दिसंबर है। टोटल पोस्ट की बात करें, टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें 150 टोटल वैकेंसी निकली हुई है। अगर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने सीए हो, सीएस हो या सीएफए किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, एलएलबी हो, इसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो यहाँ पे आप इसके पूरे नोटिफिकेशन में देख सकते हो, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन दिए गई हैं, प्लस उसके साथ में एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए वो भी आपको दिया है। और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वन ऑफ द बेस्ट जॉब है ये। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए इसमें। इसके अलावा इसके सिलेक्शन प्रोसेसर की बात करें तो इसमें एक रिटर्न एग्जाम होगा प्लस आपका इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जो एग्जाम होने की जो डेट है आपकी, ये 22 जनवरी 2022 को होगा ये एग्जाम आपका। और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। पे स्केल भी काफी अच्छा है इसका। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो एप्लीकेशन फीस आपकी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी जो रखी गई है वो 850 है। इसके अलावा 175 है जो भी लोग हैं उनके लिए, एससी एसटी वालों के लिए 175 रखी गई है। ओके, और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको जरूर जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा थोड़े टाइम बाद आपको आरबीआई ग्रेड बी का भी एग्जाम देखने को मिल सकता है, वो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम है इंडिया का। एज अ सेंट्रल बैंक में काम करना एक मतलब एक रेप्यूटेड पोस्ट है और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। ओके, और जैसे भी जो भी नोटिफिकेशन रहेगा, जब भी जॉब का जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो कंप्लीट डिटेल उसको कैसे क्या उसकी प्रिपरेशन करनी है एवरीथिंग मैं आपको अपने चैनल पे बताऊंगी। और अगर मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ताकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास में टाइमली पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। बाय बाय, टेक केयर।